F9 में हमें ये पता है कि आपके पास, जब आप पेपर खोलेंगे तो आपके पास सेक्शन ए में 15 MCQs या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर वाले, जिसकी टोटल वेटेज होगी 30 नंबर, ठीक है जी। तो आइडियली यस सर, आप स्टार्ट यहीं से लेंगे ना, आइडियली आपका पेपर यहीं से खुलना चाहिए कि आप उन 15 MCQs को देखेंगे, उसमें इजी सवाल कौन से हैं, मुश्किल सवाल कौन से हैं, उस पर थोड़ा सा टाइम लगाए ना, 15 क्वेश्चन को देखते जाए, और उसके अंदर जो है वो कैलकुलेशन वाले सवाल कौन से हैं, आपका फेवरेट एरिया सर आया ये सिर्फ नहीं आया, करते देखते जाएं या करते भी जाएं? भी जाएं साथ साथ, आपका फेवरेट एरिया आया नहीं आया। अच्छा, कुछ थ्योरी वाले सवाल हैं तो थ्योरी वाले सवाल तो 2 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं ना, बहुत मिनटों में, तो वो देखते जाएं। जैसे यस एग्जाम्पल सर, के थ्योरी वाला सवाल आ गया, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सेलेक्ट करना है कुछ इस तरह से, वो देख लें। अच्छा, इसके अंदर अगर आपको ऐसा लगता है ना कि कोई ऐसा सवाल आया, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर आपको लगता है रिस्क मैनेजमेंट का सवाल आ गया, मनी मार्केट हेजिंग का, तो उसको आप अभी ट्राई ना करें, उसको आप डेफर कर दें, फ्लैग कर दें। रीजन क्या है इसका? क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, हो सकता है स्टार्ट में आप कोई रूल भूल जाएं और प्लस को माइनस कर दें, माइनस को प्लस कर दें, मसला हो जाएगा। तो जो इजी लगते हैं वो सवाल आप अटेम्प्ट कर लें, और जो डिफिकल्ट सवाल लगते हैं उसको फॉर द टाइमिंग क्या कर दें, छोड़ दें। आपका टारगेट क्या, तो क्या होना चाहिए आपका टारगेट, ये होना चाहिए कि आपने 15 में से ना तकरीबन 7 से 8 सवाल तो लाजमी अटेम्प्ट करने, ताकि आपके तकरीबन तकरीबन 15 मार्क्स एटलीस्ट अटेम्प्ट हो जाए। आप सही होंगे नहीं होंगे वो तो एक अलग मसला है, लेकिन आप एक श्योर हो जाएं कि यार मैंने पेपर में अच्छा, अगर किस्मत अच्छी है, तैयारी अच्छी है, तो आप विद इन 20 टू 25 मिनट्स अपने 15 नंबर यहाँ से निकाल सकते, आउट ऑफ 30, जो कि बहुत आसान काम है, मुश्किल काम नहीं। अगर एक एवरेज स्टूडेंट पढ़ के गया है तो उसको बहुत सारे इजी सवाल भी मिलेंगे यहाँ पर, डिफिकल्ट सवाल भी मिलेंगे, कैलकुलेशन भी मिलेगी, न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, तो वो आराम से यहाँ से निकाल सकता है। ये करने के बाद अब कितने सवाल आपने छोड़ दिए, 5, 6 सवाल, 7 सवाल, डिपेंड करता है, वो छोड़ के आप आगे बढ़ गए, ठीक है। अब आपने टाइम अपना साथ साथ कैलकुलेट करके रखना है, कितने सवाल आपके बाकी लेफ्ट ओवर रह गए, उसके बाद आप पहुंचे किस में, उसके बाद आपको आना है सेक्शन बी पे। सेक्शन सी पे नहीं जाना, सेक्शन बी पे आना है। सेक्शन बी में हम कहते हैं कि 3 सवाल आने, लेकिन वो 3 सवाल कहाँ से आने ये हमें नहीं पता, ठीक है। अच्छा, हम ये प्रिडिक्शन करते हैं कि जो 3 सवाल हैं, लेट्स अज्यूम इसमें से एक सवाल जो है ना वो आपका वो आ जाएगा, फॉर एग्जांपल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, ये हम प्रिडिक्शन कर लेते हैं, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आ गया। एक सवाल आपका जो है वो रिस्क मैनेजमेंट से आ गया, और एक सवाल जो है आपका बिजनेस वैल्यूएशन वैल्यूएशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये 4 एरियाज हैं जिसमें ये सवाल बन सकते हैं, क्योंकि मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि वर्किंग कैपिटल सेक्शन सी में आएगा। अगर वर्किंग कैपिटल यहाँ आएगा तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस सेक्शन सी में चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर ना जो इजी एरिया है वो है ये वाला इजी एरिया। तो आप पहली फुर्सत में ये सवाल देखेंगे कितना रीजनेबल सवाल है, इसके 5ों जो क्वेश्चंस हैं, 5 जो इसके पार्ट्स हैं, उस 5 पार्ट्स में से आपको कितने पार्ट्स आते हैं, जो पार्ट्स आपको इजीली आ रहे हैं ना, पूरा सिनेरियो आपने पढ़ा, और कोशिश करनी है ट्राई टू कंप्लीट, छोड़ना नहीं कि वो 5ों पार्ट आप कर लें इसके, ट्राई टू कंप्लीट द होल, ये कर लें, डन कर लें, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब आपके पास टाइम देखा आपने, आप कि आपके पास ओके हो गया। दो दो सवाल और हैं, तो अगर रिस्क मैनेजमेंट का सवाल आया तो अगेन एडवाइस कि आप इस पर लगा दें क्रॉस, रिस्क मैनेजमेंट नहीं करें अभी आप, अगर रिस्क मैनेजमेंट का सवाल है, ठीक है, पूरा पूरा 10 नंबर का रिस्क मैनेजमेंट का सवाल है। अगर कोई एक दो पार्ट क्वेश्चन सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट के, वो तो चलो कर सकता है बंदा, लेकिन पूरा सवाल है जिसमें फॉरवर्ड भी है, मनी मार्केट हेजिंग भी है, तो फिलहाल उसको ना हिट किया जाए, फिर आप सोर्सेज ऑफ फाइनेंस वाले सवाल पे जाएं। 10 नंबर का सवाल वैसे ही ज्यादा लंबा नहीं होता, इसमें हो सकता है कि एग्जामिनर ने आपसे एक्स राइट प्राइस पूछ ली हो, एग्जामिनर ने हो सकता है इसमें कोई गियरिंग रेशो पूछ ली हो, कोई इंटरेस्ट कवर का इफेक्ट पूछ लिया हो, सही है, नई वैल्यू ऑफ फाइनेंसिंग राइट से, पूछ हाँ, ली। नई नई फाइनेंसिंग से वेल्थ पे क्या असर पड़ेगा, शेयर प्राइस निकाल के दे दें आफ्टर राइट, शेयर प्राइस आफ्टर राइट निकाल लें, सही है। इसमें
इस्लामिक फाइनेंस का कोई एमसीक्यू हो सकता है, इसमें जो है वो डिविडेंड वैल्यूएशन का कोई एमसीक्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस सवाल में। तो आप ये दोनों सवाल ट्राई करके चेक कर लेना। यानी कि मेरी एडवाइस ये है कि सेक्शन ए में आप गए और आपने कम से कम आधे सवाल ना 7 या 8 सवाल करके उसके बाद आप यहाँ आए और यहाँ आपने 2 सवाल ट्राई कर लिए, तो ये तकरीबन तकरीबन आप समझ लें आपका 1 घंटा इनिशियली तकरीबन हो चुका होगा। और इसके अंदर आप तकरीबन तकरीबन 10, 20 और 15, 35 मार्क्स अटेम्प्ट कर चुके होंगे, 35 से 36 मार्क्स अटेम्प्ट कर चुके होंगे। और अगर आपने इसमें अच्छा परफॉर्म किया तो आपकी 24, 25 मार्क्स की कहानी सेट हो चुकी होगी, 20 से ज़्यादा मार्क्स आपके इंटेक्ट आ चुके होंगे। फिर आप जाएंगे ये जहन में रखते हुए कि मुझे 7 MCQs बाकी हैं मेरे, 15-20 मिनट मुझे वहाँ स्पेंड करने, 1 सवाल ये बाकी है, 15-20 मिनट मुझे यहाँ स्पेंड करने। टोटल कितना टाइम चाहिए इन दोनों सेक्शन के लिए? 15 मिनट और 20 मिनट, 35 मिनट, यानी कि आप मैक्सिमम 40 मिनट रख लो, 40 मिनट रख लो। अब आपके पास तकरीबन 1.25 घंटा बच रहा है, 1.25 घंटा, 1 घंटा 20 मिनट बच रहा है। आप गए सेक्शन सी में और यहाँ पर आपके सामने 2 बड़े सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स का, जो मैं अप्रेजल एज्यूम कर लेता हूँ कि अप्रेजल आएगा, और 1.25 घंटा है आपके पास इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। और यहाँ पर दूसरा सवाल आपके पास है कौन सा? वर्किंग कैपिटल। कौन सा सवाल ट्राई करोगे पहले? कौन सा सवाल ट्राई करोगे? ट्राई करना चाहिए आपको ये, आपको ये ट्राई करना चाहिए। आप इस सवाल को पढ़ें, इवैल्यूएट करें, अगर आपकी किस्मत अच्छी है और ये प्लेन वही सवाल आ गया इन्फ्लेशन टैक्सेशन वाला, तो गो थ्रू इट, पूरा कर लें सवाल, थ्योरी व्यूरी सब, इसकी थ्योरी भी लिख लेना, इंक्लूडिंग थ्योरी, थ्योरी ना छोड़ें, सिर्फ न्यूमेरिकल ना करें, बल्कि जो थ्योरी आपको आती है वो थ्योरी भी, पहले थ्योरी के क्या कर लें, पहले थ्योरी के पॉइंट्स लिख लें। मसलन उसने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछे, तो 3 पहले बुलेट अपने पास लिख लें वहाँ पर कि ये मैं एडवांटेज लिखूंगा, ये मैं डिसएडवांटेज, फिर उसको एक्सप्लेन करके आ जाओ। जो भी थ्योरी लिखनी है उसको पहले बुलेट्स में बनाओ और फिर बुलेट्स को एक्सप्लेन कर दो, बाद में बुलेट डिलीट कर देना, ठीक है? तो ये आपका ये सवाल हो गया। अब इसके अंदर कैपिटल रेशनिंग की थ्योरी भी हो सकती है, एसेट रिप्लेसमेंट साइकिल, इसमें लीज वर्सेस बाइंग डिसीजन। बुलेट सर वो पेज पे भी तो लिख सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। और उसके बाद में सेंसिटिविटी का सवाल भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी का भी सवाल हो सकता है, बहुत वैरायटी है। अब ये हो गया डन। अब आपके पास टाइम हो रहा होगा शॉर्ट ना, अब आपको सेक्शन ए अपना निपटाना है, सेक्शन बी देखना है। अब आप इवेल्युएट करें कि ये जो सवाल आया है ना, ये वाला सवाल, ये कैसा आया? क्या ये बहुत डिफिकल्ट और खौफनाक किस्म का सवाल तो नहीं दे दिया एग्जामिनर ने? अगर आपको ऐसा लगता है, दो बातें होंगी, सही है? पहली बात क्या हो सकती है? टू डिफिकल्ट क्वेश्चन, आपकी तबीयत खराब होगी सवाल देख के, आपने कहा ये ऐसा होगा नहीं, वैसे टू डिफिकल्ट क्वेश्चन, सही है? आपने कहा ये तो गया सर के ऊपर से ना। अब ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का हो या वर्किंग कैपिटल का, वट एवर जो भी, या फिर मीडियम टाइप का क्वेश्चन है, तो ये अप्रोच किया जा सकता है सवाल में। कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो आप कर सकते हैं, कुछ पार्ट ऐसे हैं जैसे डेटर्स मैनेजमेंट आ गया फॉर एग्जांपल, और डेटर्स मैनेजमेंट की कैलकुलेशन आ गई, और थ्योरी उसने थोड़ी सी कैश मैनेजमेंट की थ्योरी पूछ ली इसी तरीके से, उसने थोड़ा सा और डेटर्स की थ्योरी पूछ ली, पूरा 20 नंबर का सवाल डेटर्स पे आ गया। तो अब आप ये इवेल्युएट कर लो, मुझे ये सवाल करना है या सेक्शन ए में जाना है या सेक्शन बी पे जाना है। अगर आपको लगता है कि रीजनेबल सवाल है तो आप क्या करेंगे? गो फॉर इट। अगर आपको लगता है रीजनेबल सवाल है तो गो फॉर इट, ट्राई टू कम्प्लीट। लेकिन ये बात जहन में रखें कि इस सवाल को कम्प्लीट करते वक्त आपको माइंड में रखना yes, है 25 मिनट जो ना स्पेयर करने हैं ए के और बी के। ऐसा ना हो कि ए में से कुछ एमसीक्यूज बिल्कुल ही छूट जाएं और बी में से कुछ एमसीक्यूज बिल्कुल। तो आप क्या किया, ये कंप्लीट किया, अब आपने टाइम देखा आपके पास बहुत कम टाइम है, तो अब आप दोबारा कहाँ जंप करेंगे? आप जाएंगे कहाँ? सेक्शन ए के ऊपर, और सेक्शन ए को कंप्लीट करेंगे। अगर कोई सवाल नहीं आता तुक्का लगाएं, आगे बढ़ लें, कंप्लीट करें, फिर उसके बाद आप पहुंचे सेक्शन बी के अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, और ट्राई टू कंप्लीट लास्ट क्वेश्चन जितना पॉसिबल हो सकता है उसको कंप्लीट करने। ये आइडियल आप एग्जाम के अंदर एक अच्छा स्ट्रेटजी लेके चल सकते हैं, जिसे थोड़ा सा पेपर भी पूरा होने के चांसेस होंगे, और पूरे पेपर में जहां जहां आपको इजी मार्क्स लगेंगे, टाइम मैनेजमेंट भी अच्छी होने के इससे चांसेस बढ़ जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इसको लेके चलते हैं और ज़रा यहाँ मूव करते हैं, देखें
थोड़ा सा इसको इसी ट्रैक के ऊपर देखते हैं। ये देखें जी, ये एक स्पेसिमेन एग्जाम है आपका और आपने इसको नेक्स्ट किया तो आपके पास देखें कितनी देर में खुलता। मेरे पास ये नेक्स्ट आया आपके पास और ये आपने इसको नेक्स्ट किया। जो अभी मैंने तरीका बताया ना, आई विल ट्राई टू जस्ट कि कौन कौन से सवाल रीजनेबल हैं, ये मैं कर सकता हूँ ये मैं नहीं कर सकता, उसको देख लो। बाकी पेपर में जितने में ये होता है तो हम और डिस्कशन कर लेते हैं। पेपर के अंदर थ्योरी का वेटेज हमें मालूम है 40% तो मिनिमम कहीं नहीं गए, ठीक है। 40% का मतलब है सेक्शन सी में 10 नंबर की थ्योरी एक सवाल में और 10 नंबर की थ्योरी दूसरे सवाल में, सही है? ये भी हो सकता है। और कम से कम 40 नंबर की थ्योरी और ज्यादा से ज्यादा थ्योरी 50 नंबर की भी आ सकती है। और आपको आपको हो सकता है ऐसा लगे पूरा पेपर ही थ्योरी का था, मे भी कोई ऐसा फीडबैक लेकर आए। हालांकि ऐसा होना नहीं है, ऐसा होना नहीं है, लेकिन फीडबैक तो हो सकता है ना ऑब्वियसली, क्योंकि 10-10 नंबर की कैलकुलेशन, 10-10 नंबर की कैलकुलेशन, 10-10 नंबर की कैलकुलेशन तो सेक्शन सी में आनी है ना, ऑब्वियसली आनी। सर जो ये एसीसी के वो है ना, दो पेपर और एक स्पेसिमेन का वो जो है इनका सर, वो जब देखे है ना तो सर, जैसे स्पेसिमेन वाले हैं तो उसमें मेरे ख्याल में 22 नंबर की तो है जो सीआरक्यू ना, उसमें कैलकुलेशन है 22 नंबर, देख रहे हैं ना स्पेसिमेन, मतलब 18 की थ्योरी हो गई। तुम्हारे सामने डिस्कस कर रहा हूँ, देखें आपके सामने दूसरा, जो दूसरा भी है उसमें 20 सीआरक्यू में तो 20-20 नंबर का है, मतलब 50-50% वेट ही जाए, लेकिन सर सेशन ए और सेशन बी में ना ज्यादा थ्योरी है, 10 ज्यादा थ्योरी है, मतलब 10 न्यूमेरिकल है तो 20 थ्योरी है, नहीं 10 भी नहीं है, तकरीबन 8 है, 8 या 9 है। देखो ये स्पेसिमेन, वो स्पेसिमेन में तो 10 है, जो दूसरा पास पेपर है उसमें 12 है। आपका एक्चुअल एग्जाम काफी हटके होता है ना, काफी वेरी करता है एक्चुअल एग्जाम, तो जरूरी नहीं है कि वो स्पेसिमेन को ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये तो स्पेसिमेन में तो उसने सारे जो सारे टॉपिक है ना उनको मतलब के वो करने की कोशिश की है, जैसे उसने जो सीआरक्यू बनाया है, अब देखें वैल्यूएशन और कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों को मतलब डाल दिया अंदर, सही। अब ये देखें सीआरक्यू में, ये आपके सामने सवाल खुल गया सेक्शन ए, अब आपने जल्दी जल्दी इसको रिव्यू किया तो मैंने इस सवाल को देखा तो मुझे नजर आया कि यार ये जो सवाल है वो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कॉन्ट्रैक्ट का सवाल है, सही है, और मुझे फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट निकालना है और इसके लिए मुझे जो है वो इंटरेस्ट रेट दिए हुए हैं और इन्फ्लेशन दी हुई है, ठीक है। तो मैंने रिस्क मैनेजमेंट का सवाल था, मैंने ये फॉरवर्ड किया आगे और फॉरवर्ड करके मैं नेक्स्ट पे चला गया। यहाँ मुझे नजर आया दूसरा एक कैलकुलेशन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की, व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ द एनपीवी टू अ चेंज इन सेल्स वॉल्यूम, तो बहुत आसान है, इसमें तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सही है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना है और एनपीवी को डिवाइड कर देना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन से। तो मैंने एनपीवी को ऊपर रखा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेवेन्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल कॉस्ट 24550 और 1300 24550, ये देखें सही है 5.3 आ जाएगा, 5.3 आया, तो ये तो आपका इमीडिएटली दो नंबर का एक सही है, ठीक है। आप आगे बढ़े फिर इसके बाद नेक्स्ट सवाल पे जंप किया आपने, तो पहला सवाल जो अगर किसी को रिस्क मैनेजमेंट में परचेजिंग पावर पैरिटी और इंटरेस्ट रेट पैरिटी पता था तो उसको पहला सवाल, सर अगर मतलब इजी सवाल करें ना, अगर मतलब 7-8 सवाल अगर हम करें तो तकरीबन 15 मिनट में भी हो सकते हैं सेशन ए, तो फिर 15 मिनट भी हो सकेगा, बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल। अच्छा ये जो ना थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आ रहा है, 2 मिनट जरा वेट। तो अगले सवाल पे हमने yes, किया तो अगले सवाल पर हम पहुंच गए जनाब आपके पास, ये आ गया आपके पास, ये देखते हैं तो ये आ गया स्टॉक मार्केट एफिशिएंसी का सवाल। अब ये सवाल बड़ा रेलेवेंट है कि आपको जो ना वो स्टॉक मार्केट कंपेयर करके देखना है कि कौन सा वो एफिशिएंट है कौन सा नहीं है, ये आपने अटेम्प्ट कर लिया, फिर आप अगले सवाल के ऊपर। अब ये थ्योरी का सवाल है, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी कौन सी करेक्ट है, ट्रेडिशनल क्या कहता है, मॉडिक लर्निंग क्या कहता है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी इज करेक्ट. इन द ट्रेडिशनल व्यू देर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड फाइनेंशियल रिस्क. लीनियर रिलेशनशिप का मतलब है जिस हिसाब से फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ेगी. मॉडिग्लानी एंड मिलर सेड दैट इन द एब्सेंस ऑफ टैक्स द कॉस्ट ऑफ इक्विटी वुड रिमेन कॉन्स्टेंट. थ्योरी करेक्ट फॉल्स. पैकिंग ऑर्डर थ्योरी सेज दैट प्रेफरेंस फॉल्स है सर. हाँ प्रेफरेंस शेयर्स आर प्रेफर्ड टू कन्वर्टेबल डेट. करेक्ट और रॉन्ग. रॉन्ग सही है आंसर. आंसर सही है पहला वाला. कर ले आखिरी वाले के बारे में क्या ख्याल है. बिजनेस इज अज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट एज द कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज. आखिरी वाला भी जब कैपिटल स्ट्रक्चर सही. आखिरी वाला सही लग रहा है वैसे. तो पहले वाले में क्या मसला है अगर आखिरी वाला सही लग रहा है तो. हाँ पहले वाले में क्या मसला सर. पहले वाला से जो के ही है ना सर वो सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाता है जब सोर्स ऑफ फाइनेंस हम पढ़ाते हैं ना. देखो 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 तो बढ़ता, हमारा वो बढ़ता तो रिस्क बढ़ता तो है लेकिन लीनियर नहीं होता. सही है सेम पेस से नहीं बढ़ता. तो उसकी शुरू हाँ, लीनियर नहीं होता ना. मैं शुरू के अंदर सेम पेस से नहीं बढ़ता और बाद में थोड़ा सा स्पीड से बढ़ता है. तो इसलिए ये आंसर अगला वाला आंसर ज्यादा रेलेवेंट है. तो ये भी डूएबल सवाल था. ठीक है उसके बाद मैंने भी लगाया था सर. उसके बाद हम अगले सवाल पर आए. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज लीस्ट लाइकली टू इंक्रीज शेयर होल्डर्स वेल्थ. ये भी कर सकते हैं. इसके बाद हम जंप किया हमने. ये भी देखें थ्योरी का सवाल है. कौन से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के फीचर होते हैं. कौन से दो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के फीचर होते हैं. ये भी थ्योरी का सवाल है. ये भी किया जा सकता है. मैं भी सवाल करवाने के मूड में नहीं हूँ. सिर्फ आपको एक पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका सिखा रहा हूँ. अच्छा ये सवाल डूएबल है. ऑपरेशनल गियरिंग का फॉर्मूला. ऑपरेशनल गियरिंग का फॉर्मूला डूएबल सवाल है. बिल्कुल है. और उसके बाद देखें जी 9 से 10 सवाल तो सर कर ही लेंगे आराम से. क्रेडिट सेल्स दी हुई है. अकाउंट रिसीवेबल दिया हुआ है. ओवरड्राफ्ट का रेट दिया हुआ है. 365 दिन दिए हुए हैं. कैलकुलेट द एनुअल फाइनेंस कॉस्ट सेविंग इफ मैनेजमेंट रिड्यूसेस द कलेक्शन पीरियड टू 60 डेज. अभी हम अपना कलेक्शन पीरियड जो भी है उसके ऊपर इंटरेस्ट निकाल लें ओवरड्राफ्ट के ऊपर 4 मिलियन का 12%. और अगर ये ओवरड्राफ्ट 60 दिन पे आ जाए तो अकाउंट रिसीवेबल दोबारा निकाला जाए और उसके ऊपर ओवरड्राफ्ट निकाले जाए. सेविंग पता लग जाएगी. yes, sir. ठीक है. ये डेटर्स मैनेजमेंट का सवाल आ गया. yes, sir. अच्छा जी. उसके बाद नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं. नेक्स्ट सवाल क्या आता है हमारे सामने. अच्छा जी क्लिक करना है बॉक्स पे ट्रू और फॉल्स पे. सही है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये पहले दो चैप्टर की जो थ्योरी है उससे रिलेटेड. सही है सवाल आ गया. उसके बाद आप मूव कर गए. ये आपके सामने हिस्टोरिकल ज्योमेट्रिकल ग्रोथ रेट निकालना है और उसके बाद मार्केट प्राइस निकालनी है डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल से. और ग्रोथ रेट किससे निकालना है हिस्टोरिकल. ये भी कर सकते हैं. तो ये जी देखें ये जी निकाला हुआ उसने पहले जी निकाला और एक्स डिविडेंड का फॉर्मूला लगाया. आंसर आ गया. यस सर. अच्छा जी ये रिस्क मैनेजमेंट का सिंपल सा सवाल है. देयर इज अ रिस्क दैट द वैल्यू ऑफ आवर फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड विल चेंज व्हेन वी प्रिपेयर आवर अकाउंट्स. किसके बारे में बात कर रहा है. अकाउंट्स के बारे में बात कर रहा है. ट्रांसलेशन हो गया. ये रिस्क मैनेजमेंट का दूसरा सवाल था. फिर वर्किंग कैपिटल की साइकिल का फॉर्मूला लगा दें. सही है. इसमें वो वाला फॉर्मूला लगेगा. ये तो सिंपल हो गया ना. मैन्युफैक्चरिंग वाला फॉर्मूला लगेगा. सिर्फ पेबल्स डेज माइनस कर देने हैं बस. बाकी सारे प्लस कर देने हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा जी फिर ये आ गया फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का फायदा. फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन सर ये इसके बारे में बता दीजिएगा सर. फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन होता क्या है. हमने तुम्हें याद होगा हमने जब एक दो तीन जगह में देखा मैंने. हमने जब वो बात की थी ना कि इस्लामिक बैंक की जब हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी तो हमने कहा था एक सरप्लस यूनिट होता है एक डेफिसिट यूनिट होता है और उन दोनों को बीच में मिलाने वाली एक पार्टी होती है जो कि नॉर्मली बैंक भी हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी भी हो सकती है. उसको फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन कहते हैं जो बीच में मिलाने का काम कर रहा होता है. सही है. अच्छा तो वो क्या करता है एक पार्टी को दूसरी पार्टी से मिलाता है तो दोनों की जो मेच्योरिटी में डिफरेंसेस होते हैं उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है. एक की मेच्योरिटी 3 महीने की है देने वाले की लेने वाले की 6 महीने की है तो दोनों को ट्रांसफर करता है. रिस्क को क्या करता है रिस्क को भी जो ना वो मिटिगेट कर देता है.
तो दो ऑप्शन इसमें से ठीक है, एक ऑप्शन इसमें ऑब्वियसली गलत है. तो इसका एक्सप्लेन करें आंसर. रिस्क पूलिंग एंड मैच्योरिटी आर ऑलवेज इंक्लूडेड इन रिस्क और मैच्योरिटी जो है वो सही है. पूलिंग और मैच्योरिटी यानी कि आज का आंसर हो गया दूसरा और तीसरा. फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन जो है ना वो इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं करता जब तक आप कोई डेरिवेटिव में कॉन्ट्रैक्ट ना कर लें उसके साथ. तो हर इंटरमीडिएट पार्टी ये काम नहीं करती. फिर आपके पास वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का सवाल आ गया. दो स्टेट देखें, काफी थ्योरी है इसके अंदर ना, एमसीक्यूज में काफी थ्योरी है. फिर इसके बाद आपका मॉनेटरी पॉलिसी जो इकोनॉमिक्स वाला सवाल है, मॉनेटरी पॉलिसी का सवाल आ गया इकोनॉमिक्स का. हाँ ये अच्छा, ये ओटी के आपके मेहनत. अच्छा मैंने नहीं कहा कि 15 सवाल पूरे ट्राई करो, सही है, मैंने कहा था 7 या 8 सवाल करके कुछ सवाल जो मुश्किल हैं या नहीं हो रहे. अच्छा देखो, मतलब जो इजी लगे. अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी है कि आपने तैयारी अच्छी की, अच्छे टीचर से पढ़ा हुआ है आपने, और आपके 15 के 15 सवाल आपको आते हैं. तो फिर तो आप फुर्सत से वो 15 सवाल करें ना, सुकून से अपने 30 के 30 मार्क्स सिक्योर करें. टाइम की टेंशन ना लें. अगर आपको लगता है ना ये 15 सवाल डूएबल है, गो फॉर इट, नो टेंशन, आराम से करो, टेक योर टाइम. 30 मिनट लो, 35 मिनट लो, 40 मिनट लो. अगर किसी ने 30 में से 25-26 मार्क्स लिए हैं तो उसको F9 में कौन फेल होने से रोक सकता है? ये है सर, लेकिन ना इसमें ना सर एक प्रॉब्लम हो जाता है. जब मैं F5 का पेपर कर रहा था ना सर, उसमें ना मैं सारे MCQs और सारे MTQ मतलब स्टार्ट से एंड तक कर रहा था. तो मैंने 3 से 4 MCQs जो कि मुझे मुश्किल लगे तो मैंने उनको ऊपर ना बहुत ज्यादा टाइम दे दिया. और एक MTQ मुझे बहुत टाइम दे दिया. सही है. तो एंड के ऊपर ना एक 9 नंबर का सवाल था जो कि मुझे आता था, जो कि मैं कर सकता था, जिसमें से मैं नंबर उठा सकता था, लेकिन मैंने वो अपॉर्चुनिटी जो है ना सही है वो हुआ नहीं, वो जाया कर दी और वो मुझे छोड़ना पड़ा टाइम की वजह से. सही है, सही है. चले अब आ जाए इधर आ जाए. हाँ हुआ नहीं, तो इसीलिए मुझे ये जो पहले वाला आप तरीका बता रहे हैं ना, मतलब जो हो रहे हैं उसको करते जाओ. सही है. अब आ जाए सेक्शन बी के ऊपर. इजी मार्क्स तो लो पहले. सेक्शन बी में देखें, अब आपके सामने कौन से टाइप का सवाल आया. ये तो मुझे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का सवाल लग रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का कोई मिक्स किस्म का. इसने इक्विटी डेट दिया हुआ है, एक्स डिविडेंड. अरेंज द फॉलोइंग क्रेडिटर हायरार्की आ गया. ये क्रेडिटर हायरार्की पे सवाल आ गया. आपने कहा मैं कर लूंगा, आपने ट्राई कर लिया क्रेडिटर हायरार्की, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का सवाल. कन्वर्जन वैल्यू निकालनी है, ये भी आप कर सकते हैं. कन्वर्जन वैल्यू, कन्वर्टेबल बॉन्ड का सवाल है. फिर इसमें कन्वर्जन वैल्यू, कन्वर्टेबल डेट की मार्केट वैल्यू निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, यहाँ से कर सकते हैं. ये तो वो वैल्यूएशन का आ गया. हाँ वैल्यूएशन का सवाल था. और इसके बाद इसने कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का सवाल पूछ लिया है. सही है कि जो बीटा है वो क्या है, बीटा के बारे में सवाल है कि इक्विटी बीटा जो ना वो इसके बारे में बताता है. ये सिस्टमेटिक रिस्क और दोनों को कंसीडर करता है, रॉन्ग. सही है. द इक्विटी बीटा ऑफ पार को इंडिकेट दैट द कंपनी इज मोर रिस्की देन मार्केट. इक्विटी बीटा है कितना इसका? यस सर. कितना इक्विटी बीटा इसका? ये रहा इक्विटी बीटा. यस सर, 1.2 है सर. ये सही है, ये सही है. इसका मतलब ये सही है. सही है, आगे बढ़े. तो ये तीसरा सवाल था. यस सर. और तीसरा सवाल उसने थ्योरी का पूछ लिया, 3 सवाल उसने न्यूमेरिकल पूछे थे. ये इसने रेशियो के बारे में सवाल पूछते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉब्लम इन यूजिंग पी मेथड टू वैल्यू अ कंपनी. तो इसने कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यूएशन को मिला दिया. सही है. अच्छा जी, यस सर. सही है. ये दो लग रहे हैं, ये दो लग रहे हैं. यस सर. सही है. हाँ यही लग रहा है. अच्छा जी, आगे बढ़े. तो आगे बढ़े तो 5 सवाल पूरे हो गए हमारे. ये 10 नंबर डूएबल थे. ये 10 नंबर बंदा किट में जो हमने बिजनेस वैल्यूएशन के सवाल किए होंगे, जो कैपिटल के सवाल किए होंगे, ये उसके हिसाब से बड़ा डूएबल था. अब अगला सवाल किसका आया तुम्हारे सामने, क्या लग रहा है? ये करेंसी. तो ये दो रिस्क आ गया. रिस्क, दो एमसीक्यूज भी थे रिस्क के ना. तो रिस्क इसकी वेटेज होगी 14 मार्क्स की, गुड वेटेज. ठीक है. अब आपने इसमें देखा तो वो आपको फॉरवर्ड मार्केट हेज का कह रहा है. फॉरवर्ड मार्केट हेज तो आसान है, फॉरवर्ड मार्केट हेज में तो कोई मसला नहीं होता. लेकिन मनी मार्केट हेज होगा अगला सवाल, तीसरा या चौथा सवाल मनी मार्केट हेज का होगा. तो मनी मार्केट हेज को इस वक्त अटेम्प्ट करना इमीडिएटली नॉट एडवाइजेबल. या मनी मार्केट हेज के चक्कर में फंसे और तो मनी मार्केट हेज आप छोड़ दें. ये पैरिटी का सवाल पूछ लिया उसने,
थ्योरी का, ये पैरिटी आ गई। तो मनी मार्केट हैज की वजह से आप ये पूरा सवाल छोड़ सकते हैं, या फिर ये कर सकते हैं कि यार मैं जो इजी पार्ट है वो इस सवाल के कर लेता हूँ, सही है, जैसे मनी मार्केट हैज आ गया, मनी मार्केट हैज, ये नहीं ट्राई करना मनी मार्केट हैज। लेकिन इस मनी मार्केट हैज में इसने वैल्यू नहीं पूछी, इंटरेस्ट रेट पूछा कि कौन सा इंटरेस्ट रेट इस्तेमाल किया जाएगा। यस परसेंट इंटरेस्ट रेट पूछे उसने। हाँ, वो कर सकते हैं हम, अगर इंटरेस्ट रेट पूछा हुआ है तो ये तो आसान है। हाँ, वो कर सकते हैं। इंटरनेट थोड़ा सा मेरा भी डाउन चल रहा है, तो इसलिए इट्स टेकिंग टू मच टाइम लोड करने में। साथ साथ तुम अपने जर्नल मसले भी पूछते जाओ ना मुझसे, टाइम जाया ना होता। अगर कोई स्पेसिफिक जर्नल मसला है तो वो भी साथ साथ देख लेते हैं। अच्छा, ये इसने इंटरनल मेथड्स के बारे में पूछ लिया कि इसके लिए इनमें से कौन सा इंटरनल मेथड या पॉसिबल मेथड है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, इसके लिए कौन सा मेथड पॉसिबल हो सकता है इंटरेस्ट रेट को हेज करने का। मेथड तो सारे ही सारी रेलेवेंट है, लेकिन सिनेरियो बेस्ड जो मेथड है वो रेलेवेंट है कि सिनेरियो क्या कहते हैं, उसको देखकर हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा मेथड एडवाइस कर। अच्छा जी, उसके बाद देखें अब इसने क्या पूछा है। मनी मार्केट का जो ये केस है, ये शायद मुझे पेमेंट का केस लग रहा है। हाँ, ये पेमेंट का केस है ना। यस सर, स्टेप पूछे हैं सर। पेमेंट में नहीं सर, इधर रिसीव का है सर, रिसीव का है। एक सेकंड चेक कर, सी इधर दिया हुआ है, चेक कर लेते हैं। तो ये सवाल, ये ऊपर सवाल देखे ना जहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है। अच्छा, ये नई इन्फॉर्मेशन दी, इधर ऑप्शन दिया हुआ है, इधर देखे रिसीव 3 लाख, नई इन्फॉर्मेशन दी है ना इसका। यस सर, ये इन्फॉर्मेशन से कोई ताल्लुक नहीं, पहला ऑप्शन सही होगा। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि जब हमें फॉरेन डॉलर रिसीव आ रहा होता है, फॉरेन करेंसी में लोन ले लेते, फॉरेन करेंसी में लोन ले लेते, सही है। तो ये ऑप्शन भी हो सकता है, ये ऑप्शन भी हो सकता है, ये ऑप्शन भी हो सकता है, चारों हो सकते हैं ना। नहीं, पहले ही होगा। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, आखिरी वाले में क्या प्रॉब्लम है, वो कन्वर्ट करना है ना दूसरा। हाँ, सर वो कन्वर्ट की करने से पहले ही वो प्लेस कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है उसी में जिसमें वो ले रहा है। करेक्ट, क्या फायदा हुआ उसका। करेक्ट मेथड क्या है कि आप फॉरेन करेंसी लोन लो, उसको लोकल करेंसी में कन्वर्ट करो, लोकल करेंसी में डिपॉजिट करवा दो और आखिर में वहां से उठा के पेमेंट कर दो, सही है जी। Yes, sir. तो ये जो पांच सवाल थे, इस पांच सवाल के अंदर जो रीजनेबल सवाल था ना, जो 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 मनी मार्केट हैज था, उसके अलावा सारे रीजनेबल सवाल। अब ये उसने अप्रेजल का कोई सवाल दे दिया और उसके अंदर थ्योरी दे दी थोड़ी सी मशीन के से रिलेटेड। इसके अलावा दो मशीन दी हुई हैं आपको, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट का एमसीक्यू आ गया, फॉर्मूला लगाएंगे, एनपीवी निकालेंगे, और उसके बाद उसकी थ्योरी पूछ ली इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट की। यस सर। अच्छा जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आ गया, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट। तो आपको मेंटेनेंस कॉस्ट का डेटा दिया हुआ है और उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको उसने रिस्क एंड अनसर्टेनिटी का एमसीक्यू दे दिया, थ्योरी का, सेंसिटिविटी एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी एनालिसिस, डिस्काउंटेड ऑफ 5% शुड बी यूज्ड, ये इवैल्यूएट कर लें। ये सवाल भी कंपैरेटिवली जो ना, अब आ जाएं दो सी आर के उसके ऊपर। तो इस सेक्शन बी में या पहला सवाल तो पक्का पक्का करने वाला था, तीसरा सवाल या दूसरे सवाल में से आप एक करके आगे उसको स्किप कर सकते। जब आपने ये खोला सवाल तो आपको नजर आया अप्रेजल का पहला सवाल, वही इन्फ्लेशन दी हुई है सब कुछ, सही है। क्या दिया हुआ है,
एनपीवी निकालें, यस सर, इन्फ्लेशन वगैरह, आईआरआर निकालें, पांच नंबर की कैलकुलेशन आईआरआर निकालें, तीन नंबर की कैलकुलेशन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालें, तीन नंबर की कैलकुलेशन, और ये आपको एक एक्सेल की शीट प्रोवाइड की गई, सही है? इसके ऊपर सारा सही हुआ था। इसके ऊपर आपको एनपीवी निकालनी है, आपने प्रोजेक्ट की यहाँ पर सारे जो है वो वेरिएबल डाल दिए, तीसरा डाल दिया, चौथा डाल दिया, पांचवा, इस तरह आपने इसकी वर्किंग शुरू की, यहाँ पर जो भी वर्किंग करनी है, और इसको आपने थोड़ा सा पढ़ने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया, और यहाँ आपने अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी, यहाँ पे आपने हेडिंग डाल दी नेट प्रेजेंट वैल्यू की, और वर्किंग करके आप पहली वर्किंग, दूसरी वर्किंग, तीसरी वर्किंग करके आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद आपने जंप किया इसकी थ्योरी की तरफ, सो ये कह रहा है पूरा सवाल देखा नहीं, तो ब्रीफली डिस्कस योर फाइंडिंग इन ईच सेक्शन ऑफ ए प्रीवियसली एंड एडवाइज वेदर इज फीजिबल और नॉट। तो यहाँ आपने एनपीवी की फीजिबिलिटी पे बात की, आईआरआर की फीजिबिलिटी पे बात की, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की फीजिबिलिटी बात की, सही है? इज पॉजिटिव, सही है? इसकी फीजिबिलिटी यही होती है ना? यस सर। इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिस्काउंट फैक्टर इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अच्छा जी, यहाँ आ गए आप, इज ग्रेटर देन टारगेट रेट ऑफ रिटर्न, टारगेट रेट ऑफ रिटर्न जो भी है वो तो लेस देन इक्वल टू, तो आप तो आपने यहाँ पर इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बना दिया, और इसके नीचे आपने ये सर इतने लिखना होगा इसमें? नहीं नहीं मैं तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना तुम्हें, सिर्फ एक लाइन पूरी लिखनी पड़ेगी। क्या लिखा हुआ है देखो, क्या लिखा हुआ है, मगर थोड़ा सा इसका फॉर्मेट ऐसे नहीं होगा। ये क्या लिखा हुआ है? ब्रीफली डिस्कस, ब्रीफली डिस्कस, तो आप ये लिखेंगे ना भाई, देखें, एज द एनपीवी ऑफ द project is positive, it means the project is feasible and it will enhance the wealth of shareholder, sahi hai, aap kafi hai, aap set hai? ha yes sir, itne par hi acha khud itna likhna hai sir, ha ha bahut hai bahut, matlab us tarah se likhenge। चलो मैं तुम्हें सॉल्यूशन भी दिखा देते हैं, सॉल्यूशन में देख लेते हैं उसमें क्या, उसके बाद एडवाइस कर देंगे इन तीनों में से, अगर उसने कोई कंक्लूजन पूछा है तो फिर एडवाइस करेंगे, वरना एडवाइस देने की जरूरत नहीं है। फिर लिखा है ना एडवाइस रेदर देन इन्वेस्टमेंट, हां सही है, तो हम एडवाइस तो दे रहे हैं सब में, सब में एडवाइस दे रहे हैं। क्या लिखा हुआ देखो, द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज अ पॉजिटिव एनपीवी एंड इट्स देयरफॉर फाइनेंशियली एक्सेप्टेबल, सही है? The internal rate of return also recommend accepting the investment proposal since the IRR is greater than the cost of capital. The return on capital is less than the target rate of return, but as indicated earlier, the investment proposal is financially acceptable as it is a positive NPV. ठीक है? तीन marks discussion के और advice मांगी थी, तो एक number advice का कि project लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, आपके पास कभी भी time short हो ना तो थ्योरी में बहुत लंबी लंबी कहानी नहीं सुनानी उसकी, टाइम के हिसाब से थ्योरी लिखनी, अगर टाइम शॉर्ट है तो ज़्यादा कहानियाँ सुनाने की ज़रूरत नहीं। अब हमारे पास रह गया 11 और 4 15, सही है? एक पार्ट हमारे पास बाकी है ना अभी इसका रिमेनिंग, यस सर, इंटरनेट इज वेरी पैथेटिक, तो इसका जो सी पार्ट है वो थोड़ा सा टफ है। डिस्कस हाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेक होल्डर्स मे बी इन कॉन्फ्लिक्ट इफ द प्रोजेक्ट इज अंडरटेकन। अगर ये प्रोजेक्ट हम लगा देते हैं तो स्टेक होल्डर्स के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो कैसे कॉन्फ्लिक्ट करेंगे। अब स्टेक होल्डर्स हमारे पास शेयर होल्डर भी हैं, सही है? लेकिन यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, देखो ये, देखो ये लिखी हुई है ना, देखो ये इसका आंसर इसके अंदर छुपा हुआ है, ये देखो पढ़ लो इसको जरा, तो ये इन्वायरमेंटली जो ना
प्रोडक्ट सेफ, एनवायरमेंटली ये एनवायरमेंटली प्रोडक्ट सेफ नहीं है, तो आप शेयर होल्डर तो खुश हो जाएंगे, लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं, जो आपके सोशल ग्रुप्स हैं, वो प्रॉब्लम में आएंगे, जो नियर बाय लोग रहते होंगे वो प्रॉब्लम में आएंगे, और मसले मसाइल आ सकते हैं. सही है, तो कम्युनिटी एट लार्ज का मसला आएगा, यही वो सारी चीजें इसने डिस्कस की हुई है ना इसके अंदर, हेल्दी लिविंग का मसला आएगा. सही है, तो ये 5 नंबर की थ्योरी में हो सकता है आपको कम मार्क्स मिले, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा बना के लिखना पड़ेगा. अब लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, 3 रिक्वायर. देखिए यहाँ लिखा हुआ होता है ना टॉप में, तो देखिए अब अगला जो पार्ट आपके पास आया है, तो ये आपको शेयर्स और बॉन्ड्स वगैरह की इंफॉर्मेशन दी हुई है, और आपसे 3 पार्ट उसने पूछे, 3 पार्ट्स हैं. ठीक है, पहला पार्ट क्या कह रहा है, पहला पार्ट कह रहा है 3 नंबर के लिए शेयर प्राइस निकाल दें, 2 नंबर के लिए गियरिंग रेशियो निकाल दें, और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल दें 2 नंबर के लिए. 5 और 2, 7 मार्क्स की आ गई यहाँ पे कैलकुलेशन. तो कैलकुलेशन आप यहाँ से कर सकते हैं इजीली, ये तो बहुत इजी सी कैलकुलेशन है. अगला पार्ट, 3 पार्ट है ना इसके, अगला पार्ट डिविडेंड पॉलिसी से शेयर प्राइस अफेक्ट होती है. अब तुम डिविडेंड का कोई सवाल पूछ रहे थे, वो भी साथ साथ पूछ लो. तो हाँ जी, क्या सवाल था तुम्हारा? वो पूछ रहा चेंज इन डिविडेंड पॉलिसी से शेयर प्राइस अफेक्ट होती है, 8 नंबर का सवाल. तो पूरा डिविडेंड पॉलिसी के ऊपर सवाल है. अब डिविडेंड पॉलिसी किसी ने पढ़ी होगी तो वो आराम से कर सकता है. फिर 5 नंबर की थ्योरी, एक्सप्लेन करें व्हाई फ्रॉस्ट को कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स हैव डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्क एंड रिटर्न. डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्क एंड रिटर्न क्यों होते हैं? तो ऑब्वियसली बात है भाई, डिफरेंट सिक्योरिटीज हैं, इक्विटी का डिफरेंट रिस्क होता है, डेट का डिफरेंट रिस्क होता है, विद इन द डेट मुख्तलिफ बॉन्ड का डिफरेंट रिस्क होता है, किसकी मेच्योरिटी का मसला होता है, किसी की जो ना वो अलग चीज़ें होती हैं. तो एक बॉन्ड जो है ना वो दूसरे बॉन्ड से डिफर करता है बहुत सारी चीज़ों में. इसमें से वन ऑफ द थिंग इज टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट, मेच्योरिटी की वजह से वैल्यूएशन में डिफरेंस आता है. अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास आखिरी आपका हाल अहवाल, और ये हमने पूरा कवर कर लिया, तो इसको मैं यहाँ से क्विट कर देता हूँ, और ये हमारा हो गया डन. डिविडेंड पॉलिसी का कभी भी सवाल आएगा तो डिविडेंड पॉलिसी में हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी. एक तो हमने पढ़े थे फैक्टर्स प्रैक्टिकल, जो डिविडेंड पॉलिसी बनाने के लिए हमें देखने पड़ते हैं. दूसरा डिविडेंड पॉलिसी की थ्योरी पढ़ी थी, और तीसरा पढ़ा था हमने डिविडेंड पॉलिसी की रियल पॉलिसी, रियल पॉलिसी क्या होती है. तो इसके अंदर आपके पास MM की थ्योरी है, इररेलेवेंस थ्योरी है, वो आपको एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए, और इसके अंदर फिर रेलेवेंस थ्योरी है, फिर आप इसके अंदर सिग्नलिंग इफेक्ट को डिस्कस कर सकते हैं, बर्ड इन द हैंड आर्ग्यूमेंट को डिस्कस कर सकते हैं, क्लाइंटल इफेक्ट को डिस्कस कर सकते हैं, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस, सही है, लिक्विडिटी का इशू डिस्कस कर सकते हैं, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस रेस करना मुश्किल है, तो इसलिए इंटरनल सोर्स अगर आप यूज करते हैं तो डिविडेंड पे कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए. फिर प्रैक्टिकल डिविडेंड पॉलिसी भी बात की जा सकती है, जीरो पे आउट. हर सवाल में सारी चीजें नहीं लिखेंगे, कॉन्स्टेंट डिविडेंड पे आउट, सही है. तो इस तरह इस पूरे टॉपिक के अंदर आपको बना के लिखना पड़ेगा कि एक सूटेबल डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है. तो मेरा डिविडेंड पॉलिसी के ऊपर लेक्चर सुन लो तुम, काफी इसमें अफाका हो जाएगा तुम्हें. चलें और मसले मसाइल बताएं, पेपर स्टार्ट कहाँ से करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, और एक स्पेसिमेन को मैंने अटेम्प्ट करके आपको बताया है कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी चीज़ें हमें पहले करनी चाहिए. अगर ये स्पेसिमेन रियल एग्जाम होता तो हमें अप्रेजल ऑब्वियसली जो ना पहले करता और पूरा सेक्शन सी ख़त्म करने की कोशिश करता, लेकिन जो थ्योरी वाले पार्ट हैं, वो थ्योरी वाले पार्ट अगर मुझे थ्योरी नहीं आती तो मैं रिमेनिंग
सेक्शन ए और सेक्शन बी पे पहले जाके वो भी कर सकता था। ये तो पेपर में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। यस और बोले सवाल आ जाता है प्रॉब्लम फेसिंग बाय एसएमई इस तरह का सवाल आ जाता है हमें तो सर उसमें मतलब हमें क्या लिखना चाहिए, मतलब उसमें हमें ये लिख देना चाहिए कि एसएमई शुरू में हम ये लिख दें कि भाई उनको क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब कि वो बिजनेस स्टार्ट होता है तो वो उनके पास मतलब इतना वो नहीं होता हाँ, वो फंड्स वगैरह ले सके, ये सब कुछ लिख दें। हाँ, फिर उसके बाद हम ये वगैरह ये लिखना स्टार्ट कर दें कि वो मतलब फंड्स कहाँ से जनरेट कर सकते हैं। देखो ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट सॉल्यूशन और ये सवाल पे डिपेंड करता है। अगर सवाल इस तरह से आता है, सवाल में लिखता हूँ, सवाल इस तरह से आता है व्हाट डिफिकल्टी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज फेस व्हेन रेजिंग फाइनेंस, तो इसमें तो आप ये बात बताएंगे कि उनमें प्रॉब्लम क्यों होता है, ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता, हिस्ट्री नहीं होती, एसेट्स नहीं होते, सही है ये बताओगे ना? यस सर। नो ट्रैक रिकॉर्ड, सही है, प्रॉपर एसेट्स इनको रखवा के कैश लिया जाए, सही है, टीम प्रॉपर प्रोडक्ट्स तो बैंक उन पे ट्रस्ट नहीं करता, फाइनेंस प्रोवाइडर ट्रस्ट नहीं करते, व्हाट ऑप्शंस अवेलेबल, अगर वो ये पूछता है व्हाट ऑल्टरनेट ऑप्शंस अवेलेबल, तो फिर आप वो ऑप्शंस बताओगे या एडवाइस थ्री मेथड्स, सही है, एडवाइस करें थ्री मेथड्स, तो आप उसमें से कौन, तो सर हम कोई भी मेथड एडवाइस कर सकते हैं या हमने वही पहले फैमिली और जिस तरह वो लिखा हुआ है, आप कोई भी मेथड एडवाइस में या कोई भी मेथड एडवाइस कर सकते हैं? अच्छा मतलब कोई भी कर सकते हैं, मतलब फैमिली और फिर वेंचर फिर गवर्नमेंट, आप ये तीन मेथड एडवाइस कर दें, बिजनेस एंजल फाइनेंसिंग उसके बाद वो शॉर्ट टर्म के लिए। अच्छा अगर अगर उन्होंने अपने कोई मेथड्स दिए हैं कि डिस्कस द सूटेबिलिटी ऑफ दीज मेथड्स फॉर वेंचर कैपिटल फॉर एसएमईज, तो फिर आप उसको उसके हिसाब से डिस्कस करेंगे, या वो ये पूछ ले कि जी व्हाट व्हाट इस्लामिक फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट्स आर अवेलेबल फॉर एसएमई, यस सर, तो अब आप इस्लामिक फाइनेंस के जो है मुदारबा हो गया, सही है, मुराबाहा हो गया, मुराबा इनको आराम से मिल सकता है, मुदारबा ये कर सकते हैं कोशिश की जाए तो, यस सर, तो ये कर सकते हैं, इजारा कर सकते हैं, ये लीज पे एसेट्स ले सकते हैं, इजारा कर सकते हैं, अगर इजारा देने वाला इंटरेस्टेड हो और उसको कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये इजारा भी कर सकते हैं, लेकिन ये बॉन्ड इशू नहीं कर सकते क्योंकि छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये इक्विटी फाइनेंसिंग रेज नहीं कर सकते क्योंकि लिस्टेड नहीं होते मार्केट के अंदर, लेकिन ये नॉर्मली किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, ज्वाइंट वेंचर कर सकते हैं। यस सर। और बोलो एनीथिंग एल्स? तो ये फ्यूचर रेट का सर थोड़ा सा बता दें सर, उसकी थ्योरी थोड़ी हल्की फुल्की, करेंसी फ्यूचर राइट, फ्यूचर करेंसी का फ्यूचर रेट ना, मतलब करेंसी फ्यूचर ये होता है, देखें करेंसी फ्यूचर ये होता है कि आपके पास एक रिसीट आने वाली है या आपके पास एक पेमेंट आने वाली है, फ्यूचर का तो फॉरवर्ड जिसकी थ्योरी आती है सर, फॉरवर्ड है ना वो, मेरे ख्याल में फॉरवर्ड है वो, नहीं तुम इंटरेस्ट रेट के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हो करेंसी के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हो, इंटरेस्ट के ऊपर वो फॉरवर्ड रेट जो होता है सर, वो जिसकी सब थ्योरी आनी है सर, जो के करेंसी में भी वो मतलब फिक्स अमाउंट है, उसका फिक्स टाइम होता है, मतलब के मार्च जून और ये करेंसी फ्यूचर ही तो है, करेंसी फ्यूचर या इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, अच्छा ठीक है, एक ही तरह के हैं ये, ओके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अगर हमें फॉर एग्जांपल रिसीट है, हमारी पेमेंट है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, अगर हमें रिसीट आने वाली है तो हम करेंसी सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यस सर, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसकी स्पेसिफिक मैच्योरिटी होती है,
सही है? यस सर। और स्पेसिफिक उसकी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने पड़ते हैं, और उसके अंदर आप बता दें इनिशियल मार्जिन जमा करवाना पड़ता है, डिपॉजिट करवाना पड़ता है जो कि रिफंडेबल होता है। जब आप अपनी पोजीशन क्लियर कर देंगे तो आपको वापस मिल जाएगा। वेरिएशन मार्जिन के बारे में बता दें, अच्छा इसमें बेसिस रिस्क होता है, जब तक कॉन्ट्रैक्ट की मैच्योरिटी ना आ जाए इसके अंदर बेसिस रिस्क होता है कि जो आपका अंडरलाइंग है ना, आपका जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है और आपका जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसके दरमियान जो ना मिसमैच होगा, इसको कहते हैं बेसिस रिस्क। टेलर मेड नहीं होता लेकिन ट्रेडेबल होता है, या आप उसमें बता दें उसको आप ट्रेड कर सकते हैं। रिस्क मिनिमम होता है इसके अंदर क्योंकि बीच में एक्सचेंज होता है, तो एक्सचेंज जो है वो सेपरेटली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है आपके साथ दूसरी पार्टी के साथ। इसको फॉरवर्ड से कंपेयर करके इस तरीके से इसकी थ्योरी के भी पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं। और बोलो इंटरेस्ट रेट कॉलर, इंटरेस्ट रेट फ्लोर और एक इंटरेस्ट रेट कैप है। इंटरेस्ट रेट कैप जो होता है ना, इंटरेस्ट रेट कैप जो होता है वो बोरोवर के लिए रेलेवेंट होता है। अगर बोरोवर को ये लगता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं तो इट्स एन ऑप्शन, इंटरेस्ट रेट राइज होने वाले हैं तो वो कैप परचेज कर लेते हैं। कैप परचेज करने से क्या होता yes, है, उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है अगेंस्ट राइजिंग इंटरेस्ट रेट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट राइजिंग इंटरेस्ट रेट। और जो इंटरेस्ट रेट फ्लोर होता है वो डिपॉजिट होल्डर को रिस्क क्या होता है, फॉल इन इंटरेस्ट रेट, तो वो क्या करता है, परचेज करता है फ्लोर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फॉल इन इंटरेस्ट रेट। अच्छा इन दोनों में उसको क्या देना पड़ता है, इसके अंदर भी प्रीमियम देना पड़ता है और प्रीमियम नॉन रिफंडेबल होता है, इसके अंदर भी प्रीमियम देना पड़ता है, प्रीमियम नॉन रिफंडेबल होता है। तो जो प्रीमियम की कॉस्ट है ना उसको मिटिगेट करने के लिए वो क्या करता है, वो कॉलर परचेस कर लेते हैं। अगर वो कॉलर परचेस करता है तो कॉलर के अंदर एक कॉलर ये बन सकता है परचेस कैप एंड सेल फ्लोर, परचेस कैप एंड सेल फ्लोर, सही है, परचेस कैप एंड सेल फ्लोर। तो उसका फायदा ये होता है कि उसको प्रीमियम देना पड़ता है, एक पार्टी को वो प्रीमियम दे रहा होता है और दूसरी पार्टी से राइटर बन के प्रीमियम रिसीव कर रहा होता है। तो कॉलर क्यों करते हैं, प्रीमियम को रिड्यूस करने के लिए, मतलब इससे क्या हो जाता है, नेट ऑफ हो जाता है फिर ये प्रीमियम, नहीं पूरा खत्म नहीं होगा कभी भी, प्रीमियम पेमेंट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ओके आओ, इतनी मुख्तसर रिड्यूस हो जाएगी, हां इतनी मुख्तसर सी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। और ये बात ध्यान में रखिए, ये रैंडम वॉक थ्योरी का हल्का फुल्का बता दें, ये क्या चीज है। रैंडम वॉक थ्योरी जो होती है, तुमने अगर वो पढ़ा है रैंडम वॉक, हमने ये डिस्कस किया था टेक्निकल एनालिस्ट जो, हाँ जो फंडामेंटल एनालिस्ट, जो इंफॉर्मेशन आती है ना, जो इंफॉर्मेशन आती है तो उस इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर मार्केट प्राइस में मूवमेंट आ रही होती है।
ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एफिशिएंसी कैसी है। यस सर। अगर स्टॉक मार्केट एफिशिएंट होगी तो वो एक नॉर्मल जो ना वो पोजीशन को रिफ्लेक्ट कर रही होगी कि मार्केट किस तरीके से चल रही है। और उसके अंदर फिर हमने बिहेवियरल फाइनेंस के बारे में पढ़ा था कि बाज दफा बिहेवियरल फाइनेंस का भी एक रोल होता है कि बाज दफा मार्केट जो है ना वो बिहेवियर की बेसिस के ऊपर भी चल रही होती है, बिहेवियर किस तरीके से काम कर रहा होता है। बिहेवियर देखें, फॉर एग्जांपल डे ऑफ द मंथ, डे ऑफ द वीक अफेक्ट, इस तरीके से।